एलजेपी में पड़ी फूट के बाद पहली बार चिराग पासवान को उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आशीर्वाद दिया है। लोजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की दूसरी पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बात करते हुए पुरानी बातों को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज हमारे दोनों भाई रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान हमें छोड़कर चले गए। हम तीनों भाइयों के चार लड़के हैं और दोनों भाइयों के बेटे सांसद हैं। ये पासवान समाज के लिए गर्व की बात है। मैं प्रिंस और चिराग पासवान दोनों को पिता होने के नाते उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग हम लोगों से भी आगे बढ़ें। देखिए, ये तो बहुत ही दुख की घड़ी है। हमें तीन भाई थे, हम लोग सबसे बड़े भाई जानते ही हैं स्वर्गीय पासवान जी, और रामचंद्र जी हमसे छोटे भाई थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों हमको छोड़ के चले गए। ये उनका बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है प्रिंस, और ये मुस्कान मेरा बेटा है। हम लोग तीन भाई थे और चार, तीनों भाई में चार लड़का है। रामचंद्र जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। गाँव ग्रामीण परिवेश से हम लोग आए। हमारे पिताजी बहुत अच्छे किसान भी थे और संत थे, कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे, और उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज हम लोग सहरबनी गांव से उठ के और देश का जो सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ तक हम लोग तीनों भाई पहुँचे। और तीनों भाई में दो बेटा भी है, चिराग पासवान भी है, भिंसराज भी है। तो हमारे फैमिली से हम लोग पांच सांसद चुने गए, जो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा जो ऑन फैमिली ऑन ब्लड एक परिवार से पांच सांसद हुआ हो। ये बहुत ही गौरव की बात है। ये सब जो हुआ है ये हमारे पिताजी और माताजी का आशीर्वाद से हम लोग इतना दूर आगे बढ़े हैं। और प्रिंस है या चिराग भी है, मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जो फोटो है, मुस्कान है, पिता होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि लोग भी हम लोगों से भी आगे बढ़े। आज जिस परिवेश में रामचंद्र जी ग्रामीण परिवेश से आए और चार बार लोकसभा का सदस्य होने का उनको सौभाग्य मिला, और बहुत ही बेखूबी से बहुत ही निर्भीकता के पूर्वक वो राजनीति किए, और जिस दिन वो बीमार पड़े, ऐसा संजोग देखिए कि हम दोनों भाई कभी एक साथ नहीं बैठते थे। तीनों भाई दूर डिस्टेंस हम लोगों का रहता था, क्योंकि हम लोगों के मिथिलांचल में कल्चर है कि बड़ा भाई के सामने छोटा भाई नहीं बैठता है। लेकिन उस दिन ऐसा ईश्वर की देन हुई कि हम और रामचंद्र जी करके छः घंटा एक साथ दोनों भाई रहे।